हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएचके व्लॉग्स। तो आज हमारा है डे टू और आज हम जाने वाले हैं हिंजेवाड़ी। हिंजेवाड़ी में हमने कुछ प्रोजेक्ट्स लाइन अप किए हैं जिनके वीडियोस आज हम बनाने वाले हैं। देखो, हम ट्राई तो बहुत सारा कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, क्योंकि हमने कल भी 5 प्रोजेक्ट्स कम्प्लीट किए थे एक दिन में। आज हम सेकेंड हाफ में निकले क्योंकि कल बहुत लेट हो गया था। अभी हमने लंच भी नहीं किया है और अभी हम लोग दोनों पहले लंच करने के लिए जाएंगे क्योंकि अभी बज गई है दिन की 3। तो ये वाला व्लॉग है अपना मेगा पॉलिश का, बज रही दोपहर के 3। तो यहाँ पे करीब में जो अतिथि वेज है ना, डी मार्ट के अपोजिट, वहाँ पे जाएंगे, खाएंगे और आगे हिंजेवाड़ी के लिए निकलेंगे। चलो, तो अभी हम लोग पहुँच रहे हैं अतिथि। जी, क्या बोल रहे थे हम लोग? जी बोल रहा था यहाँ पे ना बीम आ गई, रेस्टोरेंट में भी डेड स्पेस ढूंढते बैठा है। भैया डॉक्टर, क्या मंगाई हो तुम मेरे लिए? मैंने मंगाई है तुम्हारे लिए स्वीट कॉर्न सूप, मटर पनीर, 2 टी। ज्यादा दाम धाम वाला खाना नहीं मंगाया, झटपट खाने वाला मंगाया। झटपट खा के फटक, झटपट खा के फटफट निकलेंगे। डॉक्टर को मैं सोच रहा हूँ एक नया चैनल बनाऊंगा जिसका नाम रहेगा चटरपटर। ये चटरपटर इतना खाती है, एक नया खाने वाला चैनल है चटरपटर, उसमें सारे खाने के वीडियोस रहेंगे इसके। दिन भर खाती रहती हूँ, तो पता नहीं किसी को कि मैं कितना खाती हूँ। हाँ, तब यार जल्दी खाते नहीं 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 तो कुछ नहीं आने। तो ये है ऑर्किड होटल, ये सीधा हम जा रहे हैं हिंजेवाड़ी साइड। ये जो लेफ्ट साइड रोड जा रहा है ना, ये जाता है VTP ब्लू वाटर्स और गोदरेज प्रोजेक्ट की तरफ। हाँ, यहाँ से हमको जाना है ये सीधा। यहाँ पे फुल ऑन मेट्रो का काम चल रहा है, जो बाने वाली मेट्रो है ना वो यहाँ हिंजेवाड़ी वाले मेट्रो पे ये वाले ब्रिज को कनेक्ट करेगा। हाँ जी, डन, पेट पूजा, अब काम दूजा। वेस्ट साइड में सबसे पहले एक लड़की सब्सक्राइबर मिली, वो भी प्रॉपर्टी ब्लॉग नहीं देखे थे, हमारा कोई तो ट्रैवल ब्लॉग देखा था उसने, तो उसको रिकमेंडेशन में थंबनेल में हम दिख गए थे उसको। बताओ, उसकी मेमोरी इतनी शार्प थी कि हाँ देखा है कहीं। तो फिर वो आई हमसे फोटो सेशन करा के गई। अच्छा लगा हमें कि कोई एक पहला बच्ची थी, आई थिंक कॉलेज में पढ़ती है ना लगभग। हाँ, नहीं वो ऑटोकैड डिजाइनिंग कर, ऑटोकैड डिजाइनिंग करती थी कुछ। चलो अभी फोकस करते काम पे। तो अभी हमने हिंजेवाड़ी चौक से लेफ्ट टर्न लिया है, तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं जो टेक महिंद्रा है ना हिंजेवाड़ी Phase 3 में, वहाँ पे ऑलमोस्ट पहुंच गए क्योंकि लेफ्ट साइड में ये जो हिल आ गई है और यहाँ तक मेट्रो का काम चल रहा है, मतलब हिंजेवाड़ी Phase 3 तक आने वाली है मेट्रो। ये सिम्फनी बिल्डिंग है, ये सैफरन है मेगा पॉलिश का, जो राइट साइड में जो बिल्डिंग है ना दैट इज मेगा पॉलिश। तो ये पूरा सर्कल गोल घुमा के लेफ्ट में गाड़ी रोकनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहुंच गए हम लोग मेगा पॉलिश वाले सर्कल पर। ये देखो लेफ्ट साइड में है मेगा पॉलिश ड्रीम कैचर और ये इसका सेल्स ऑफिस भी है। तो फटाफट जाते हैं अंदर। तो ये रहा इनका सेल्स ऑफिस। पूरा इनका मॉड्यूल, पूरा जितना भी डिटेल में मेगा पॉलिश पूरा स्प्रेडेड है पूरे हिंजेवाड़ी फेस में, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में दिखाई देगा। वो ये बड़ी सी इनकी LED, ये इनका डेस्क। ओके गाइस, सो वी आर एट द मेगा पॉलिश जो कि हिंजेवाड़ी Phase 3 में है, एंड ही इज अनुज। कैसा है कि एक एक्सप्लेनेशन अगर मिल जाता है ना तो आपको क्लियरिटी अच्छी आती है, बिकॉज वो बहुत बड़ा है। शायद हमें भी एक्सप्लेन कराने में थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसलिए अनुज विल टेक इट फ्रॉम हियर, ही विल शो यू द सैंपल फ्लैट और प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन अच्छे से होगा, सो यू विल गेट एन क्लियर आइडिया, है ना? ठीक है अनुज। हाय, माय नेम इज अनुज एंड आई एम द सोर्सिंग मैनेजर ऑफ कुमार प्रॉपर्टीज। सो बेसिकली द क्लस्टर नेम इज स्पॉटलाइट। तो इसमें जो ये कारपेट एरिया फॉर 2 BHK 698 square feet, दिस इज योर लिविंग एंड डाइनिंग हॉल। 10x17 का साइज है आपका लिविंग एंड डाइनिंग हॉल का, सो देर इज अ सेपरेट लिविंग हॉल एंड दिस इज योर डाइनिंग हॉल। So in your living and dining hall, we are also providing an attached balcony, okay, which is a covered balcony. अभी nowadays क्या होता है कि हमें odd event का concept मिलता है जहाँ पे आपकी privacy बिल्कुल भी maintain नहीं हो पाती है, so that's why हमने क्या किया कि balcony एक के नीचे एक रखा इसके जैसा, okay? Yeah. So in this we are also providing you vitrified tiles. This is your vitrified tiles, but ये wooden texture में है. This is also your vitrified tiles, but ये plain texture है आपका, okay? This is your first room जो कि 10x11 का size है।
With that, we are also giving you a French window. So basically, French window का अगर हम लोग benefit बात बताएं, तीन practically aspects होते हैं इसके. Through this French window, you will be getting fresh ventilation, proper sunlight आती है और आपको balcony जैसा ही view आपको as it is मिलता है. आपको बार-बार balcony में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. So in this room, we are also giving you wardrobe. हमारा वार्डरोब का साइज पहले से ही इनबिल्ड हमने दे रखा है. यहाँ पे 2 feet का आपका डेप्थ का स्पेस भी रहेगा. सो बेसिकली दिस इज योर फर्स्ट रूम जो कि 10x11 के समवेयर अराउंड आता है. सो दिस इज योर किचन. इफ यू सी, हमने किचन आपका एल शेप में प्रोवाइड किया हुआ है. इसका बेनिफिट क्या होता है कि यू नो कि आपको कौन सा सामान किस कोने में रखना है. सो इससे वेस्ट एरिया नहीं पता चलता. वी आर ऑल्सो गिविंग यू ऑल द फिटिंग्स. ये जैगुआर की फिटिंग रहेगी आपकी एज इट इज रहेगी विद द सिंक. ओके, सो ऑल द विंडोज विल बी ऐसे ही आपके सारे के सारे विंडोज रहेंगे. सो यू सी दिस इज योर ड्राई बालकनी का स्पेस. नाउअडेज क्या होता है कि आपको जब भी ड्राई बालकनी में जाना रहता है तो आपको किचन के थ्रू जाना रहता है. सो हमने क्या किया, यहाँ पे कोई ऐसा कॉमन वॉल नहीं रखा हुआ है जहाँ पे आप यू नो ड्राई बालकनी में जाते हो. अभी क्या होता है कि यू नो द पर्सन हु इज वर्किंग इन किचन गेट डिस्टर्ब जब भी हम लोग ड्राई बालकनी में जाते हैं. सो हमने क्या किया कि किचन के थ्रू भी आपका एक्सेस है ड्राई बालकनी का एंड यहाँ से भी लिविंग एंड डाइनिंग हॉल से भी आपका एक्सेस है. सो बेसिकली द पर्सन हु इज वर्किंग इन किचन वॉन्ट बी गेट डिस्टर्ब. तो आप लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं अपने ड्राई बालकनी का. एंड ऑल द टाइल्स आर वेट्रीफाइड टाइल्स. इफ यू सी दिस इज अ कॉमन वॉशरूम जो कि 5x8 का है. इन दिस वॉशरूम यू आर गेटिंग एंटी स्किड टाइल्स. सो अगर आपने नीचे देखा होगा तो एक एक टाइल्स जोड़ के नहीं लगा हुआ है. क्यों? क्योंकि एक एक टाइल्स जोड़ता है तो वहां पे लीकेज का प्रॉब्लम होता है. सो दैट्स व्हाई इट्स अ एंटायर स्लैब एंड ऑल द सैनिटरी फिटिंग्स विल रिमेन एज इट इज. हमने ड्यूरावेट टोटो एंड कॉलर का आपको सारी की सारी सैनिटरी फिटिंग्स भी दे रखी है यहाँ पे. दिस इज योर मास्टर बेडरूम जो कि 10x12 का आता है. यहाँ पे आपका अटैच वॉशरूम भी है जो कि सेम साइज 5x8 का हमने दे रखा हुआ है विद ऑल द सेम सैनिटरी फिटिंग्स जो कि यहाँ पे है. यू विल बी गेटिंग एंटी स्किड टाइल्स. यू विल बी गेटिंग द सैनिटरी फिटिंग्स जो कि डोरावेट टोटो एंड कॉलर्स के हैं. ओके, एंड दिस इज योर फ्रेंच विंडो. जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको, तीन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में बात करते हैं. प्रॉपर वेंटिलेशन मिलती है आपको इस फ्रेंच विंडो से, प्रॉपर व्यू मिलता है एंड सनलाइट मिलती है. इस रूम में भी हमने वार्डरोब का स्पेस दे रखा है. आपको कुछ एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है जिससे डेड स्पेस बढ़ जाता है. सो बेसिकली इफ आई एम सेइंग कि 698 इज माय कारपेट एरिया, देन एक चीज होता है कि यूजेबल कितना होता, यूजेबल एरिया कितना होता है. तो लोग क्या करते हैं कि अगर 700 का कारपेट है तो यूजेबल एरिया इज अप्रॉक्स 670-680. तो इफ आई एम सेइंग कि 698 इज माय कारपेट एरिया, देन 698 इज माय यूजेबल एरिया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेड स्पेस बिल्कुल भी नहीं है. यू कैन सी द लेआउट, एंटायर लेआउट एज इट इज. So this is your 2.5 BHK and this is a huge entrance you have ever seen in West Market. This is your first room which you can see. It is a kid's bedroom. You can see this is the window that we are also providing in this room. Proper ventilation आपको मिलेगी, छोटे बच्चों के लिए sunlight मिलेगी. आप यहाँ पे अपना study table बना सकते हैं so that एक genuine lights आपको मिलेंगी आपके घर पे. So this is your living and dining hall. If you can see, it's a huge space. This is your living hall and we have separated the dining hall over here. So basically in your living and dining hall, हमने आपको एक attached balcony भी दी है जो कि आपकी covered balcony रहेगी. odd even का कोई concept नहीं रहेगा आपके घर में कि you know ऊपर वाले नीचे देख रहे हैं, तो उससे privacy maintain नहीं हो पाती थी घर पे. So that's why हमने covered balcony. So this is your kitchen जो कि आपके living and dining hall से attached है. सो बेसिकली हमने जो टाइल्स आपको मार्बल प्रोवाइड किया है, ये आपका इटालियन मार्बल है. दिस इज योर एल शेप किचन. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, आप एल शेप का क्या बेनिफिट होता है कि आपको पता होता है कि आपको कौन सा सामान किस जगह पे रखना है. एक अच्छा सा स्पेस दिया हमने फ्रिज को रखने के लिए भी यहाँ पे. ओके, एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग द यू नो फिटिंग्स जो कि जैगुआर की रहेगी आपकी, सेम एज इट इज आपको मिलेगा.
एंड दिस इज अवर ड्राई बालकनी। हमने ड्राई बालकनी का भी स्पेस अच्छा खासा दिया हुआ है, यहाँ पे आपकी एक बड़ा साइज का वॉशिंग मशीन भी आ सकता है। So this was your living and dining hall. Now this is time for your second room. यहाँ पे हमने आपको इतना बड़ा सा विंडो प्रोवाइड किया हुआ फॉर अ बेटर वेंटिलेशन, प्रॉपर सनलाइट। आपकी जो व्यू रहेगी आपको आपके ही रूम से एज इट इज मिलेगी। सो यू विल बी गेटिंग टू टाइप्स ऑफ व्यू यहाँ पे। आपको एक एमिनिटी साइड का मिलेगा एंड आपको एक सियात्री हिल्स की तरफ का व्यू मिलेगा। सो दिस इज योर क्यून साइज बेड। आपको यहाँ पे वार्डरोब रखने का भी हमने जगह दिया हुआ है। ओके सो दिस इज योर वॉशरूम जो कि 5x8 का है। यहाँ पे हमने एंटीस्केट टाइल्स भी प्रोवाइड किए हैं। ऑल द सैनिटरी फिटिंग्स आर ऑफ अमेरिकन स्टैंडर्ड्स, टोटो कॉलर एंड ड्यूरावेट की रहेंगी। यहाँ पे इस वॉशरूम का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे हमने मोशन सेंसर लाइट्स दिए हुए हैं जो कि आपका यू नो बिजली बचाने के लिए बहुत ही काम आता है। नाउ डेज हम लोग भूल जाते हैं। दिस इज योर मास्टर बेडरूम है ये आपका, एंड दिस इज योर विंडो, प्रॉपर वेंटिलेशन, सनलाइट एंड बालकनी जैसी व्यू आपको यहाँ से मिलेगी। हमने यहाँ पे वार्डरोब का भी स्पेस आपको एज इट इज दिया हुआ। इफ यू सी दिस बेड साइज इज अ क्वीन बेड साइज, अच्छा खासा स्पेसियस है। एंड दिस इज योर अटैच वॉशरूम जो कि 5x8 का रहेगा। इसके अंदर भी मोशन सेंसर लाइट्स दिए हैं हमने। ऑल द सैनिटरी फिटिंग्स विल रिमेन सेम एज इट इज। सो बेसिकली इन आवर 2.5 BHK वी आर प्रोवाइडिंग यू एलेक्सा जो कि पूरा का पूरा वॉइस कंट्रोल होम ऑटोमेशन आपको देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो गिविंग गैस लीक डिटेक्टर आपके घर पे। नाउअडेज क्या होता है, घर पे बहुत सारे स्विचेस रहते हैं, तो हमने क्या किया, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू स्मार्ट 3 सर्किट स्विच। वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू मोशन सेंसर लाइट्स आपको देते हैं। हम लोग आपके ही घर में आपका वायरलेस स्मार्ट वीडियो डोर फोन किट दे रहे हैं जो कि प्रॉपर प्राइवेसी के लिए काम आता है। घर पे अगर कोई रह नहीं रहा है या घर पे कोई लेडीज रह रही है तो दैट कैन हेल्प यू। वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू 1 टच का स्मार्ट डिजिटल डोर लॉक दे रहे हैं फॉर द सिक्योरिटी पर्पज। एंड वी आर ऑल्सो गिविंग यू मोबाइल ऐप कम्प्लीट 3-tier सॉल्यूशन जिससे आप अपने फोन के थ्रू पूरा का पूरा घर का लाइट्स वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो बेसिकली इन माई प्रोजेक्ट हमारा खुद का यू नो लोन डिपार्टमेंट भी है जहाँ पे हमने अप्रॉक्स 20 बैंक्स के साथ टाई अप करके रखा हुआ। तो क्या होता है कि जब किसी बिल्डर के यहाँ पे बुकिंग होती है तो एक बल्क में बुकिंग होती है। सो रादर देन कस्टमर्स को बाहर से होम लोन लेने से अच्छा वी आर प्रोवाइडिंग यू द होम लोन्स विद द चीपेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं आपको अपने तरफ से भी कुछ रिवॉर्ड्स और कुछ कूपन्स देते हैं आफ्टर यू बुक योर ओन होम। सो बेसिकली दिस प्रोजेक्ट इज हैंडल्ड बाय, ये पूरा का पूरा जो टाउनशिप है ये कुमार प्रॉपर्टीज का है। ओके तो अभी क्या होता है, व्हेन अ कस्टमर इज गोइंग टू बाय अ फ्लैट, सबसे पहले उनका क्या यू नो फोबिया होता है कि भाई बिल्डर कौन है एंड व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो यू नो कुमार प्रॉपर्टीज इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड डेवलपर इन एंटायर पुणे, बैंगलोर एंड मुंबई। सो कुमार प्रॉपर्टीज हमेशा जाना जाता है बिफोर टाइम पोजीशन देने के लिए। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन नाउअडेज वी ऑल नो दैट कि माईवन ही चल रहा है। सो वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू द माईवन कंस्ट्रक्शन एज वेल। सो कुमार इज वन ऑफ दोज डेवलपर जो कि डेट फ्री बिल्डर है। इनके ऊपर कोई लिटिगेशन का कोई चार्जेस नहीं है क्योंकि इनका खुद का लैंड रहता है एंड खुद का ही इनका कंस्ट्रक्शन रहता है। कुमार इज हैविंग वन ऑफ द मोस्ट स्पेसियस लैंड अक्रॉस पुणे। उनके यू नो टाउनशिप्स भी हैं 8.5-10 acre का यू नो अपार्टमेंट्स भी है, वेदर यू लुक इन ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मेगापोलिस में मिलेगी।
सो बेसिकली हमने जो 2 and 2.5 BHK का सैम्पल फ्लैट देखा था वो डिफरेंट क्लस्टर्स का था, बट हमारे पास उसके कुछ यूनिट्स भी बचे हुए हैं. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर 2 BHK विद अ लार्ज कार्पेट एरिया लाइक फॉर 800 एंड अबव, हमारे पास वो भी है. सो वी हैव 2, 2.5 and 3 BHK एंड डिफरेंट क्लस्टर्स ऑल्सो. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन आप प्लीज़ रॉयल सर के साथ आइए एंड हम लोग फिर गुड नोट पर ये डील ख़त्म करें. ओके गाइस, तो आपने देख लिया एंटायर प्रोजेक्ट, समझ गए आप. अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ड्रीम कैचर का जैसे अभी टोकन आ रहा है, ठीक है, अभी टोकन चालू है ड्रीम कैचर का, आगे बेनिफिट्स के लिए मैं सोच रहा हूँ कि अनुज से कुछ ऑफर्स, कुछ चीज़ें जो हैं RHK व्लॉग्स के थ्रू जो लोग देख रहे हैं या जहाँ पे यहाँ पे अगर आना चाह रहे हैं तो उनको क्या बेनिफिट मैं दिला सकता हूँ, वही मैं अनुज को पूछ रहा हूँ कि अनुज क्या बेस्ट कर सकते हैं. बेसिकली अगर आप रॉयल सर के साथ आते हैं यहाँ पे, तो राइट नाउ एज आई हैव टोल्ड यू, वी आर एट अ प्री लॉन्च स्टेज जहाँ पे वी आर कलेक्टिंग 45,000 का EOI विच इज़ फुल्ली रिफंडेबल इन 30 डेज. सो अगर आप राहिल सर के यू नो कनेक्ट से आते हैं तो आई कैन गिव यू बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ प्राइजिंग, क्योंकि जब मेरा लॉन्च होगा तो जो भी सबसे कम प्राइस खुलेगा मेरा यूनिट का वो सब ऑब्वियसली मैं सर के क्लाइंट्स को दूंगा. एंड आपको फ्लोर का प्रेफरेंस मिलेगा बिकॉज इट्स अ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, तो आपको व्यू कैसा चाहिए, आपका क्या फ्लोर का प्रेफरेंस है, वेदर यू हैव टू गो विद द सिटी व्यू और द माउंटेन व्यू, ये सारी चीज़ों का प्रेफरेंस मैं आपको प्रायोरिटी बेसिस पे दे सकता हूँ. सुनने में अच्छा लग रहा है, ये जो चीज़ है ना ये आपको मैं मतलब अनुज के थ्रू मैं आपको करवा के दे सकता हूँ. तो इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे ना डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करो, उस पर डिटेल सबमिट करो और डिटेल जैसे मेरे पास आएगी ना मैं आपको अनुज को कनेक्ट करवा के दे दूंगा. सेकेंड चीज़ आप कर सकते हो कि नीचे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, व्हाट्सअप की लिंक भी दी है और अभी स्क्रीन पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है इस पे भी आप कॉल करके मुझे कनेक्ट कर सकते हो, तो भी मैं आपको अनुज को कनेक्ट करवा के दे दूंगा, क्योंकि वो जो बेनिफिट है ना मैं चाह रहा हूँ कि जो सब्सक्राइबर्स देख रहे हो उनको मिले. दैट इज़ द मेन मोटो ऑफ दिस एंटायर व्लॉग, ठीक है. सो भी एंटायर ये जो लेआउट देख रहे हो ना आप, 150 एकड़ है. अभी इस 150 एकड़ में ये जो लैंड है ये है ड्रीम कैचर की लैंड. हम इस चीज़ के रिलेटेड बात करेंगे और बाकी जो यूनिट्स हम जो एक्स्ट्रा यूनिट्स की बात कर रहे थे ना वो यहाँ पे है और ये दो टावर में, ठीक है, क्लियर. ओके गाइस, तो ये है ड्रीम कैचर का सैंपल फ्लैट जिसका काम अभी चालू है, अभी पूरी तरह से बना नहीं है इसलिए हम नहीं दिखा पा रहे, बट आने वाले 10-15 दिन में रेडी हो जाएगा, फिर आपको देखने मिलेगा, है ना. बाकी तो हमने दो आपको दिखा दिए. फिर कैसा लगा तुम्हें बताओ, क्या पॉइंट है तुम्हारे? देखो कैसा टाउनशिप है, टाउनशिप है तो बहुत भी ज्यादा ऐसा लैविश नहीं सोच सकते हो आप, क्योंकि इनको हर एक चीज़ को केटर करना पड़ता है, छोटे फ्लैट्स, मीडियम रेंज फ्लैट्स, बड़े फ्लैट्स, तो उसके हिसाब से बराबर है. मतलब हमने अभी तक जितने भी टाउनशिप्स पहले भी देखी है ना उसमें भी ऐसे ही था कि छोटे कापेस में सब 600-650, फिर थोड़े से बड़े आएंगे तो फिर 800-850, फिर उससे और बड़े आएंगे 1000-1200, ऐसा है. तो यहाँ पे भी सेम चीज़ मुझे फील आई. किन लोगों को प्रेफर करना चाहिए? ये प्रेफर कर सकते हैं. देखो सबसे इम्पोर्टेंट बोलूँ, जो लोग हिंगेवाड़ी में जॉब कर रहे हैं, जो आईटी में है, जो यहाँ के लिए ही देख रहे हैं ना, तो उसके लिए अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज टिकट साइज कम है. जब टिकट साइज कम होता है ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती है. जैसे 2 BHK जो छोटे कार्पेट्स है वो प्रेफर कर सकते हो छोटी फैमिली के हिसाब से. और अगर 2.5 BHK बड़ा है, इतना बड़ा 2.5 BHK हमने ईस्ट साइड में तो नहीं है यहाँ पे हमने देखा, बिकॉज ईस्ट साइड में 2.5 BHK भी ऑलमोस्ट 750-800 square feet तक आता है. अभी वहाँ के कंपैरिजन से तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज 2 आता है 95 में, है ना. यहाँ पे आपको 80-85 के रेंज में 2.5 आता है. एनीवेज ये फेज 3 है, अंदर है तो उसके हिसाब से भी कुछ चीजें हैं, लोकेशन भी है. अफोर्डेबल सेगमेंट में किसी को लेना है ना तो यहाँ पे ले सकता है. तो तुम्हारे हिसाब से ये लिविंग पर्पस के लिए है या इन्वेस्टमेंट के लिए? दोनों है. ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज आईटी बाजू में टेकम सामने है, है ना. तो अब इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपका रिटर्न्स बहुत अच्छा मिलेगा. तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के लिए, फिर उसके बाद सेल्फ यूज के लिए आता है. ऐसा क्योंकि सेल्फ यूज में भी कैसा, अपने पास काफी सब्सक्राइबर ऐसे भी आए जिन्होंने ये बोला है कि भाई मेरा फेज 3 या फेज 2 में मेरा ऑफिस है लेकिन मुझे खराड़ी में भी लेना है क्योंकि कल को मेरा ऑफिस चेंज हो गया. तो उस ऑफिस पे डिपेंडेंसी रख के हम वो चीज नहीं कर पाएंगे. एग्जैक्टली, ठीक है. तो जो यहाँ पे रहते हैं ना वो ये प्रेफर कर सकते हैं, मतलब लेके रख दो यहाँ पे, बिकॉज आपको घर को चल के रेंटल वैल्यू भी अच्छा मिलेगा. हम लोग के जिनका अभी एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं होता है ऑफिस में तो उन लोग को लगता है कि स्विच करते रहे, और जो लोग काफी एक्सपीरियंस है, जो हायर पोजीशन पे जो सेटल्ड है, उन लोगों को इतना सोचने में नहीं आता, वो लोग इजी ले सकते हैं. एग्जैक्टली, तो
वही है, बस इतना ही डिफरेंस है कि ये अंदर है तो इसका एक अपना अलग सा वो है, सेक्शन है। ऐसा नहीं है कि जैसे वाकड़ है, बानेर है, ये कैसे कि थोड़ा सा रोड साइड है, हाईवे पे है। बानेर तो हमने देखो बहुत ही ज्यादा हायर साइड पे कॉस्ट है उसका, हायर साइड भी कॉस्ट है, मेन स्ट्रीट पे है, मेन रोड पे है, साइड रोड कनेक्टिविटी वहां से बहुत ज्यादा अच्छी है। exactly. ये थोड़ा वन साइडेड हो जाता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो प्रेफर करना चाहिए क्या, अगर आपका हिंजेवाड़ी का प्लान है और अगर आपका ऐसा है कि ऑफिस यहीं पे कहीं करीब में है, आपको मेन बाहर नहीं जाना है, मतलब आपका बाहर का कुछ सीन नहीं, तो आप प्रेफर कर सकते। कल को चल के अगर आप परचेस करके, अगर आपका मान लो ईस्ट साइड यौन वगैरह वहां पे आपका अगर ऑफिस शिफ्ट भी हो जाता है, तो यहाँ पे आप बहुत जल्दी इस फ्लैट को रेंट पे चढ़ा सकते हो। तो सबसे ज्यादा लोग जो हैं, जो सोचते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए तो बेस्ट है, क्योंकि तुरंत सेल्फ यूज के ऐसा क्वेश्चन मार्क आता है ना कि हम कितने दिन रहेंगे यहाँ पे, फिर कहाँ जाएंगे, तो वो ऐसा चीजें हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है बिकॉज आईटी वाले सब यहीं पर है, कोई ना कोई तो ले ही लेगा ऐसा। ठीक है, हाँ जी, तो एक इन्फो मुझे ये देनी है कि अगर आप पुणे के किसी भी हिस्से में रहते हो, साउथ में रहते हो, नॉर्थ में रहते हो, ईस्ट में रहते हो, कोने में रहते हो, वेस्ट में भी रहते हो, विजिट करना है, हाँ, अगर आपको मेगापोलिस में विजिट करना है तो जी वो विजिट करवा देगा आपको। यस, वो भी कैसे, क्योंकि हम लोग दे रहे हैं आपको पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विसेज, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ आपका दुख कि ये फेज थ्री में अंदर है, है ना, तो आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो फिर नो वरीज, कभी भी आप मुझे फोन लगाओ और बोलो मुझे मेगापोलिस विजिट करना है, तो मैं आपको पिक एंड ड्रॉप के सर्विस के थ्रू विजिट करवा के दे दूँ। अभी जो क्लस्टर की हम बात किया है हमने, वो क्लस्टर अभी लॉन्च में है, तो हम उसके प्रोस कॉन्स और रिव्यूज अभी आपसे कुछ शेयर नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसके लेआउट से अभी तक वगैरह आए नहीं है। अभी टोकन चालू है, टोकन कैसा है कि रिफंडेबल वाला, जैसे उसने मेंशन किया, टोकन कर लो, बिकॉज टिकट साइज है वो मैं आपको बता सकता हूँ 60 लाख से है। एक चीज बस मैं बताना चाहूंगा कि जो 2 BHK आपने अभी देखा और 2.5 BHK जो भी देखा, जो अभी उसके लेआउट्स थे ना, बस वही लेआउट्स आपको ड्रीम कैचर में मिलने वाले हैं, तो लेआउट आपके आंखों के सामने, आप आके देख लो लेआउट, है ना। तो ठीक है, आप लोगों को अगर हमारे वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारे कमेंट कीजिए, पिक एंड ड्रॉप के लिए कनेक्ट कीजिए। और अगर आपको यहाँ विजिट करनी है तो जैसे कि हमने बताया कि आपको ऑफर्स वगैरह जो भी है वो यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे, तो जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए, कनेक्ट कीजिए हम लोगों को। और ये वाला वीडियो हम यहीं पर एंड करेंगे बिकॉज हमें इसके बाद दूसरा व्लॉग भी स्टार्ट करना है। कैची हुई, यस, तो दिस इज 2 ऑफ अस साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन स्टे सलामत।